दरिंदगी की इंतहा, दोस्त की बेटी का किया रेप, दिल दहला देने वाला खुलासा। देश की राजधानी दिल्ली में एक नाबालिग बच्ची से दरिंदगी का ऐसा मामला सामने आया है जो आपको झकझोर कर रख देगा। यह बात बुराड़ी माइनर रेप केस की है, जिस मामले में महीनों तक रेप जैसी हैवानियत को सहने वाली बच्ची आरोपी को मामा कहकर बुलाती थी। तिल तिल कर घुटने को मजबूर ये बच्ची मेंटल ट्रॉमा में थी। दिल दहला देने वाली इस कहानी के सूत्रधार अफसर के साथ दिल्ली पुलिस ने उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया है। रक्षक बना भक्षक, मानवता के साथ रिश्तों को शर्मसार करने वाले इस मामले में हैरान करने वाली बात एक बात ये भी रही है कि आरोपी दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग में डिप्टी डायरेक्टर था, जिसके कंधों पर महिलाओं और बच्चों से जुड़े काम समय पर पूरे करने और उनकी सहायता करने का जिम्मेदारी थी। हैवानियत करने वाले आरोपी अफसर का नाम प्रमोदय खाखा है। मामले का खुलासा होने के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। रेप, दुष्कर्म और अबॉर्शन पिल्स। पुलिस ने बताया कि प्रमोदय खाखा ने अपने मृत दोस्त की नाबालिग बेटी से कई बार दुष्कर्म किया, इस कारण वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी रोकने के लिए उसकी पत्नी सीमा रानी ने पीड़िता को अबॉर्शन पिल दिया। दिल्ली पुलिस ने 13 अगस्त को केस दर्ज करने के साथ आरोपी पति पत्नी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट भी लगाया है। क्या है पूरा मामला? लड़की अपने पेरेंट्स के साथ चर्च जाती थी, जहां उसके पिता की दोस्ती दिल्ली सरकार के इस अफसर से हुई। कोरोना महामारी में जब दुनिया भर के लोग घर और बाहर दोनों जगह वायरस की चपेट में आने से बचने के लिए 2 गज की दूरी बरतते थे, उस समय भी ये दरिंदा मुंहबोली भांजी के साथ हैवानियत की हदें पार कर रहा था। आरोपी अफसर और पीड़िता के पिता दोनों अच्छे दोस्त थे। 1 अक्टूबर 2020 को पीड़िता के पिता की मौत हो गई। इसके बाद आरोपी अफसर उनकी बेटी को अपने घर ये कहकर लाया कि वो उसकी अच्छे से देखभाल करेगा। बच्ची प्रमोदय के घर नवंबर 2020 से जनवरी 2021 तक रही। इस दौरान कई बार उसके साथ गलत काम किया गया। प्रमोदय की पत्नी ने बच्ची को बचाने के बजाय पति का साथ दिया। ऐसे हुआ बुराड़ी माइनर रेप केस का खुलासा। इस बात को 2.5 साल से भी ज्यादा बीत गया, पीड़िता को पैनिक अटैक आने लगा। उसे काउंसलिंग के लिए ले जाया गया, तब जाकर उसकी आप बीती दुनिया के सामने आई। उसके साथ जब रेप हुआ तब उसकी उम्र महज 14 साल थी, अब वो 17 साल की हो चुकी है। आप, मैं या सरकार ये सोच भी नहीं सकते कि उस छोटी सी बच्ची पर उस वक्त क्या बीती होगी। आरोपी ने किया इनकार। आपको बता दें कि आरोपी पति पत्नी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के अलावा आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। दिल्ली सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री आतिशी ने पुलिस से मांग की है कि इस केस की गहराई से जांच होने के साथ ही फास्ट ट्रैक कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश पर आरोपी अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है। वही आरोपी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया है।